लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए सपाटा न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, सपाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है। 25 जनवरी नहीं, 24 जनवरी को रिलीज होगी पद्मावत। चार राज्यों में बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे निर्माता। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। अक्षय कुमार की पैडमैन के साथ भिड़न की चर्चाओं के बीच अब पूर्व निर्धारित डेट से पहले ही पद्मावत के रिलीज किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ ही चार राज्यों में फिल्म पर बैन लगा दिया गया है। इसके खिलाफ वायाकॉम 18 ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। यह याचिका चार राज्यों में फिल्म पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ है। वायाकॉम ने तुरंत मामले पर सुनवाई की अपील की है। सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द ही कोई तारीख दे सकती है। यूपी, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड जैसे बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी फिल्म प्रदर्शन को लेकर रोके जाने की आशंका है। गोवा पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए राज्य सरकार से मूवी पर बैन लगाने को कहा है। पद्मावत 3 भाषाओं में रिलीज होगी, तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में रिलीज होगी। इसके साथ ही पद्मावत को लेकर करणी सेना का उग्र प्रदर्शन भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की एक घटना सामने आई है, जिसमें सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल में फिल्म के गाने घूमर चलाए जाने के विरोध में तोड़फोड़ कर दी गई। करणी सेना ने पूरे देश में फिल्म की रिलीज पर आपत्ति जताई है। धमकी भी दी है कि अगर फिल्म की रिलीज हुई तो सिनेमा घरों को जला दिया जाएगा। नेता ने यहाँ तक कह दिया कि अगर नाम बदलने से कोई चीज बदल जाती है तो हम पेट्रोल को गंगा जल समझ कर सिनेमा घरों में छिड़क के आग लगा देंगे। इसी तरह की खबरें जानने के लिए आप हमारा पेज सपाटा न्यूज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।